Hello everyone, I am Dr. Pragati, a practicing hair transplant surgeon, and today we are back with yet another topic in the series of hair transplant surgery. तो आज का टॉपिक हमारा है दैट हाउ लॉन्ग डू द रिजल्ट्स लास्ट. ये सर्जरी तो करा ली बट ये रिजल्ट्स कब तक चलेंगे. तो एंड तक इस वीडियो को देखिए एंड जानिए कि कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट्स रहेंगे. सो बिफोर प्रोसीडिंग फॉर दिस टॉपिक आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए जरूर, जिसमें मैंने बताया है कि कब तक आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं या सर्जरी के बाद कब तक वो रिजल्ट्स आते हैं या आने में टाइम लगता है. Now friends, hair transplant surgery results are generally long-lasting and considered to be permanent. But जैसे कि आपके बाकी के hair follicles होते हैं and उनकी अपनी एक lifespan होती है, ये transplanted hair की भी अपनी एक lifespan होती है, क्योंकि ये आप ही के सिर से या आप ही के सिर के भाग से पीछे से निकाल के just उनकी जगह बदली गई है या transfer किए गए हैं. तो हर बाल की जब जैसे अपनी एक lifespan होती है, ये ट्रांसप्लांटेड हेयर भी वैसे ही बहुत ही नेचुरली बिहेव करते हैं एंड इनकी अपनी एक लाइफ स्पैन होती है. सो ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद रिजल्ट्स कब तक रहेंगे बहुत सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं. इसमें आपके फैक्टर्स जैसे जेनेटिक फैक्टर्स आ जाता है. कुछ पेशेंट्स में देखने को मिलता है कि ये रिजल्ट्स लाइफ लॉन्ग हैं, क्योंकि जेनेटिकली उनके जो हार्मोनल चेंजेस हैं इतने फ्लक्चुएटिंग नहीं होते हैं. तो उन केसेस में हम लाइफ टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट्स रहेंगे. कभी कभी ड्यू टू सम मेडिकल इश्यूज जो लेटर ऑन लाइफ में आपके आ सकते हैं या जेनेटिक फ्लक्चुएशंस या हार्मोनल फ्लक्चुएशंस, जेनेटिक वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, उन केसेस में कभी कभी हो सकता है रिपीट सर्जरी आपको करानी पड़ जाए. तो ये बहुत कुछ आप पे भी डिपेंड करता है कि रिजल्ट्स कितने लॉन्ग लास्टिंग होंगे, आप कैसे केयर लेते हैं पोस्ट सर्जरी. तो ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि रिजल्ट्स कितने लॉन्ग लास्टिंग या कब तक चलेंगे. सो लाइक आई सेड, एज एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, सबका जेनेटिक कंपोजिशन डिफरेंट होता है, सबकी केयर टेकिंग एबिलिटी आफ्टर द सर्जरी डिफरेंट होती है, सबका एनवायरमेंट डिफरेंट होता है, यू नो, किस रीजन से वो आए हैं सर्जरी कराने. तो ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि पोस्ट ट्रांसप्लांट आपके रिजल्ट्स आप कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रहेंगे. आपकी केयर कैसी है पोस्ट सर्जरी, आपने जितने मेडिकेशंस या जितने सप्लीमेंट्स आपको बताए गए थे वो आपने ली है या नहीं ली है, आपके मेडिकल इश्यूज या मेडिकली आप कैसे फिट रहे हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम. तो ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि आपकी ट्रांसप्लांट सर्जरी कब तक चलेगी. सो सी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि ट्रांसप्लांटेड हेयर भी आपके नेचुरल हेयर की तरह ही बिहेव करेंगे आफ्टर द सर्जरी ऑल्सो. तो जैसे आप नेचुरल हेयर की अपनी केयर जैसे लेते थे, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ट्रांसप्लांटेड हेयर की भी केयर वैसे ही ली जाए. मुझे रोज में बहुत से पेशेंट्स ऐसे देखने को मिलते हैं कि उन्होंने सर्जरी कहीं से कराई है, अब उनको रिजल्ट्स भी आए पर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम वो रिजल्ट्स कहीं ना कहीं चले गए. तो बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं, मे बी एज रिलेटेड मेडिकल इश्यूज पॉप अप हुए होंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, या केयर वैसी कंटिन्यू नहीं हुई. तो ये सारे फैक्टर्स एनालाइज हमें करने पड़ते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप आफ्टर द सर्जरी जैसे आपकी जो केयर बोली गई है, जो न्यूट्रिशन लेवल आप चेक में रखो, मेडिकली टेस्ट कराते रहो कि बॉडी में कुछ चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं या कोई इश्यूज तो पॉप अप नहीं हो रहे हैं, तो ये ट्रांसप्लांटेड जो रिजल्ट्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग हो सकते हैं. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड आपको कुछ इंसाइट मिली होगी कि क्या आपके एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए पोस्ट सर्जरी रिजल्ट्स को लेके. सो अगर आपको ये चैनल से कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है या पसंद है ऐसे कॉन्टेंट, तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज फॉरवर्ड करिए उनको जिनको आपको लगता है कि कुछ हेल्प हो सकती है उनकी. थैंक यू.